फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ बाजरे की रोटी, सूखी बोमिल की सूखी चटनी। बाजरे की रोटी कौन सी? वही जो कबूतर को डालते बाजरा। आज मैं तुझे डालने वाली हूँ। ये बाजरे की रोटी ना, मैं बहुत जमाना हुआ खाके, और शायद मैं वो टाइम पे भी नहीं खाता था जब हमारे बाजू में हमारी मामी बनाती थी। याद है मेरे को? हमारी मामी ना ऐसी बाजरे की रोटी बनाते थे, और साथ में ना मतलब कुछ ना कुछ अलग, कभी कभी तो तीखी मिर्ची रख देते थे उसके साथ, लाल मिर्ची, कभी बेसन। वो टाइम पे ना इतनी डेंजर दिखती थी ना वो रोटी, इतनी कड़क कड़क, ऊपर से ना काले चट्टे, ऐसा लगता था जल गई है। लेकिन फिर बड़ा होने के बाद मालूम पड़ा कि वो रोटी होती ही वही। हाँ, इसको बाजरे की रोटी देते थे ना, बोलता जलावी रोटी, कड़क कड़क ना ऐसा खाना पड़ता था कि मतलब गए अभी काली खाता हूँ। बाजरे की रोटी का कलर ही वैसा होता है। आप ज्वारी की रोटी में बनाई थी, देखे ना आप, व्हाइट बनी। बाजरे की रोटी व्हाइट नहीं बनती है, उसका कलर ही वैसा होता है। देखो, ये मेरे को खाने का तो नहीं था, लेकिन ना अम्मी का ना एक दो कमेंट पे नजर पड़ गया। देखे देख कमेंट आया, बाजरे की रोटी बनाओ। मैं बोला अम्मी 100 कमेंट आए रहेगी कि व्हाइट चिकन बिरयानी बनाओ, लेकिन अभी देखिए वो नहीं बनाए, तो जरा कमेंट करो व्हाइट चिकन बिरयानी ताकि हम वो भी बनाए। चलो फिर आज नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे के सूखी बोमिल की चटनी और बाजरे की रोटी बनाने के लिए मैं क्या क्या लेगी। वाह, बराबर बोला तू आज। मैं वहां देख के बराबर बोमिल की जो चटनी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या आज बाजरे की रोटी के साथ काम चला लूंगा। चलो ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे हम सूखी बोमिल, सूखी लाल मिर्ची, लहसुन, अखा धनिया, कच्ची सेंग, कश्मीरी लाल मिर्ची, जीरा, आमचूर पाउडर, और हम यहाँ लेंगे जवारी की रोटी के लिए आटा, बाजरे की रोटी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम बोमिल की चटनी बना लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने बोमिल ले ली हूँ। अब बोमिल आपके यहाँ पे किलो में मिलती है, वाटे में मिलती है, या ऐसा डंटल बन के मिलती है, वो आप लोगों को पता है। हमारे यहाँ तो बस ऐसे गांठ मार के बेचते हैं 10-20 ऐसा। तो यहाँ पर मैंने ले ली हूँ ये बोमिल, 50 रुपये की इतनी मुझे मिली है, ठीक है? ये होंगी कम से कम 18-20 बोमिल होंगी। अब हम इसको सबसे पहला साफ कर लेंगे। तो मैं इसको, ये ऊपर का हिस्सा है, ये पूरा कट कर लूँगी। उसके बाद जो ये इसके पर रहते हैं दोनों तरफ के, ये कट कर लूँगी अच्छे से, ठीक है? ये इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे भी कट कर लेंगे, और ये इसकी पूंछ भी काट लेंगे। अब आपको इसके पीस बना लेना है इस तरीके के, इसको फ्राई करने का है ना, इसलिए इसको पहले साफ करके इस तरीके के पीस बना लेना। तो देख रहे हैं आप लोग, बोमिल मैंने सारे कट कर ली हूँ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ना धो लेंगे, क्योंकि इसमें नमक भी ज़्यादा होगा, इसमें नमक लगा के सुखाते भी है, और फिर क्या धूल मट्टी भी चिपकती है ना सूखते टाइम पे। तो इसको पहले थोड़ा सा दो पानी से मैं धो के लेके आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको धो ली हूँ अच्छे से 2-3 पानी से, और इसको छन्नी में डाल के रख दी हूँ ताकि इसका पानी अच्छे से निथर जाए, जब तक हम यहाँ तेल गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और तेल डालेंगे हम अच्छा बोमिल, इसको ज़्यादा तेल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मेरा तेल हो गया है गरम, अब हम डाल देंगे ये बोमिल। ये बोमिल को स्लो ही गैस पे फ्राई करना, अगर ये काले हो गए तो कड़वे लगने लग जाएंगे, ठीक है? हमको इसको ब्राउन कलर करना है, ज़्यादा काले हो जाएंगे तो कड़वे हो जाते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर अच्छे से कलर आ गया है, और क्रुम क्रुम हो गई है मेरी बोमिल। अब हम इसको निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, कुरकुरी हो गई है मस्त। हाँ, इसको फ्राई करने के लिए मुझे टोटल 6-7 मिनट लगा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने बोमिल फ्राई कर ली हूँ, और यहाँ पर एक मुट्ठी भर के मैंने ये मिर्ची ले ली हूँ। ये 50 ग्राम से भी कम है, 50 ग्राम बोले तो ये हल्की मिर्ची है, ज़्यादा आ जाएंगी, इसलिए एक मुट्ठी भर के लेना। और यहाँ मैंने 4-5 चम्मच सूखा धनिया ली हूँ, और यहाँ 100 ग्राम लहसुन ली हूँ छिलके, और यहाँ पे 50 ग्राम सेंगदाने ली, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ये धनिया को पहले इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें जो तेल था वो मैंने एक वाटी में साइड में निकाल ली हूँ। तो यहाँ पर धनिया मेरा अच्छे से भून गया है, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आना चालू हो गई है।
धनिया की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें सेंग भून लेंगे। ये सेंग अच्छे से मैं भून के इसके छिलटे निकाल लूँगी पहले, है ना। तो यहाँ मैंने भी सेंग अच्छे से भून ली हूँ, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें ही मिर्ची भी डाल देंगे। मिर्ची को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा कुरकुरी हो जानी चाहिए हमारी मिर्ची। इसमें मैं थोड़ा सा एक चम्मच तेल ऐड करूँगी यहाँ से। हाँ, मिर्ची बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर मिर्ची मेरी अच्छे से फ्राई हो गई है, मैं इसको भी निकालूंगी ये धनिए के साथ। अब क्या करेंगे, लहसुन को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब कढ़ाई हमारी गर्म है ना, फटफट फटफट हो जाएंगे तर 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 करके। तड़तड़ी लहसुन, हाँ, ये सब फ्राई कर रही हूँ मैं इसलिए क्योंकि ये सूखी चटनी बना रही हूँ मैं स्टोर करने के लिए। ये आप रख सकते 10-15 दिन आपकी ये चटनी आराम से चलेगी, ठीक है। अब मैं इसके ही अंदर डाल दूंगी ये 2 चम्मच जीरा लहसुन के साथ। मिर्ची मैंने जल्दी निकाल दी, मिर्ची के साथ ही आप ये डाल के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन क्या ठसका लग रहा था इसके लिए मैंने मिर्ची पहले निकाल ली। तो यहाँ जीरा और लहसुन भी मेरे फ्राई हो गए हैं, ये भी मैं एक में ही निकाल लूंगी। आप लोग देख रहे हैं मैंने सेंग खाली अलग रखी हूँ, बाकी ये चारों चीज़ें मैंने एक ही साथ रखी हूँ, जीरा लहसुन सूखी लाल मिर्ची और अक्खा धनिया। तो ये अलग क्यों रखें, छिलटा इसका छिलटा उतार के इसको अलग पीसूंगी और इसको अलग पीसूंगी। तो मसाला पीसने के पहले मैं क्या करूंगी, बोमिल को थोड़ा सा दरदरा सा कूट लूंगी। इसको मैं मिक्सर में बिल्कुल भी नहीं पीसने वाली हूँ, इसको मैं हल्का सा मुँह में आने के लिए रखूंगी। अगर पूरी बोमिल एकदम बारीक हो जाएगी तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने जितना कूटना था उतना कूट ली हूँ, मुझे अभी और बारीक नहीं चाहिए, ये मुँह में आना चाहिए मेरे बोमिल। इसके लिए मैं इसको इसी तरह छोड़ दूँगी। अब मैं इसको पीस लेती हूँ, धनिया मिर्ची लहसुन जीरा, और यहाँ पर मैंने सेंगदाना के छिलटे निकाल दी हूँ, इसको मैं अलग पीस लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पीस ली हूँ मेरे मसाले, ये मिर्ची धनिया जीरा लहसुन, और यहाँ पे मैं पीसी हूँ सिंगदाना, ठीक है। ये नहीं पीसने का ना, नहीं नहीं इसको नहीं पीसना है, इसको हमको मुंह में आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, इसलिए ऐसा ही रखें। अब यहाँ पर रख दी हूँ मैंने फ्राई पैन। तो अब क्या करूँगी मैं, इसमें डालूंगी ये बोमिल फ्राई वाला जो तेल हमने साइड में रखे थे ना, इसमें से थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे बस। इसके साथ ही हम डाल देंगे ये जो हमारा मसाला पिसा हुआ, ये हमारे घर में ना ये सूखी बोमिल की मात्रा थोड़ा कम रखते हैं, मसाला ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। और सुकट की चटनी भी मेरे घर में मसाला ज़्यादा होती है, सुकट की चटनी कम होती है। अगर आप लोगों को सूखी बोमिल ज़्यादा लगती है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यही मसाले में जितनी बोमिल मैंने ली हूँ उससे 2 गुना डाल सकते हैं। इसको मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पका रही हूँ। तो अब मैंने इसको पका ली हूँ, अब मैं डालूँगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची थोड़ा कलर के लिए। अब डालूंगी मैं आमचूर पाउडर, इसी के साथ डाल देंगे हम ये जो बोमिल लिए है ना, इसको थोड़ा मिला लेंगे। और इसमें पीसने के टाइम पे मैंने 1/2 चम्मच नमक ऐड करी थी मसाला पीसने के टाइम पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसी के अंदर अभी जो सेंग पीस के रखे हैं ना वो भी ऐड करेंगे। सेंग भी आप अपने हिसाब से लेना, कम या ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा नमक, नमक मैंने 1/2 चम्मच ही डाली थी पहले, अब मैं डालूंगी 1/2 चम्मच, आप लोग चख के अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है। अब ये सूखी चटनी मैं स्टोर करके 15-20 दिन रख सकती हूँ कांच की बर्नी में, ये ख़राब नहीं होती है सूखी बोमिल की चटनी। इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं आप, रोटी और ये सूखी बोमिल की चटनी सफ़र के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हाँ भाई, हम लोग गाँव जाने वाले ना। हाँ, ये रोटी और चटनी बांध लो आप, 3 दिन का भी सफ़र रहेगा आपका तो ये ख़राब नहीं होगी। तो इसको 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छे से भून ली हूँ। इसमें तेल देखे आप लोगों ने ज़्यादा नहीं डाली हूँ मैंने, क्योंकि हमको स्टोर करना है, इसको सूखा ही रखना है, ठीक है।
ये मेरी तैयार हो गई है सूखी बोमिल की सूखी चटनी सेंगदाना दाल की। अब हम बनाएंगे रोटी, लेकिन ये बहुत अच्छी चटनी है मस्त। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो अब हम बाजरी की रोटी बनाते हैं। यहाँ मैं ले लूंगी दो रोटी के लिए सीमेंट आटा। सीमेंट जब से देखा है ना मेरे को बोलता अम्मी सीमेंट के जैसा है, मैं बोली हाँ बेटा ये आटा ही ऐसा रहता है, जबकि ये मैंने बाजरी खरीद के लेके आके चक्की पे पिसवा के लेके आई हूँ, फिर भी बोल रहा है ऐसा वैसा। मैं बोली अगर मैं दुकान से ला के बताऊंगी तो क्या बोलेगा। अब हम डालेंगे इसमें नमक, नमक आप अपने हिसाब से डालना। आटा लिए ये एक बार समझो 250 ग्राम आटा होगा, पाव किलो 250 ग्राम। हाँ अब हम इसमें पानी डाल डाल के गूंदेंगे, और ये नॉर्मल पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है, बस हम जो वापरते हैं पानी वही पानी है। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम अच्छे से मसल लेंगे। तो देखो इस तरीके से आटे को अच्छे से मिला लेना। अब हम इसको पूरा अच्छे से 2 मिनट तक इसी तरीके से पानी थोड़ा सा डाल लेंगे और इसको गूंथते रहेंगे। तो मट्टी बना देंगे पूरा। चिकनी मट्टी बता भी लाओ, मैं मटकी ही बनाता हूँ। देखो है क्या मट्टी लग रही है नहीं है। देखो बाजरी की और ज्वारी की रोटी का आटा गूंदने का तरीका जो होता है ना वो इस तरीके से होता है। ये जो है ना ये पीछे का हिस्सा इससे गूंदा जाता है ये। तो यहाँ पर मैंने आटा अच्छे से गूंद ली हूँ। अब हम एक पेड़ा बना लेंगे, जितना बड़ा हमको चाहिए उतना बड़ा हम ले लेंगे। ठीक है, इसको कर देंगे साइड में और इसको कर लेंगे रोल इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैंने पेड़े बना ली हूँ, अब हम इसको थोड़ा सा हाथों में इस तरीके से कर लेंगे। ये मैं थोड़ा इस तरीके से करने के बाद इसको हाथों से थपथपा के बड़ी कर लूँगी। अगर आपको चाहे, अब मैं ये प्लेट ले रही हूँ यहाँ पर, इसको कर देंगे हम इधर साइड में और इस पे डालेंगे हम सूखा आटा ये इस तरीके से, कुछ थोड़ा सा उठा लेंगे ऊपर डालने के काम आएगा हमारे, है ना। अब बड़े आराम से इसको थपथपा के बड़ा कर लेंगे। थपथपाना किधर है हमको, ये साइड, बीच में नहीं, इधर से धक्का मारते जाना है और आगे लेके जाते रहना है। अगर आपको जितनी बड़ी बनाना है आप उतनी बड़ी बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से है ना। अब क्या करेंगे हम, सीधा हम डाल देंगे ये हमारे तवे पे इस तरीके से, और यहाँ पे हम डालेंगे अब पानी। पानी हम ऊपर के हिस्से में अच्छे से डालेंगे, नीचे कुछ भी नहीं डालने का। नहीं नहीं नीचे कुछ नहीं डालने का है, हमको सिर्फ पानी लगाना है, तो सिर्फ ऊपर के साइड। और ये रोटी है ना चूल्हे पे बड़ी मस्त बनती है, फूलती भी है, अंगार के साइड रख दो मस्त गोल गोल फूल जाएगी। अब देखो हम तो तवे पे बना रहे हैं, हमारी भी रोटी अच्छे से बन जाए बस। अब इसको हम 1-2 मिनट अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पर हम हमारी रोटी को पलट लेंगे ये इस तरीके से। अब 1 मिनट के लिए हम इधर से नीचे साइड भी अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ 1 मिनट तक मैंने पूरी रोटी सेक ली हूँ पीछे। अब देखते हैं ये इस तरीके से हो गई है, अब हम इधर से सेक लेंगे थोड़ा। ये बाजरे की रोटी देख रहे हैं आप लोग मेरी कैसी फूली है ना मस्त एक नंबर। तो यहाँ पर मेरी रोटी हो गई है तैयार, देख रहे हैं आप लोग है ना मज़े की बाजरे की रोटी तैयार। तो यहाँ पर मेरी दूसरी रोटी भी हो गई है तैयार थपथपा के। अब हम इसको भी यहाँ पर डाल देंगे हमारे गरम गरम तवे पे। इसको तवे पे डालना भी बहुत आराम से है, हमारी ज्वारी की रोटी को हम गेहूँ की रोटी को हम कितना धपक से डाल देते ना, इसको वैसा नहीं डाल सकते। अभी इसको भी हम पानी लगा देंगे एक साइड से
अच्छी तरीके से पानी लगाना, पानी लगाने में कोई कंजूसी सी नहीं करना, पानी लगाने से उल्टा रोटी अच्छी ही बनेगी आपकी, खराब नहीं बनेगी। तो अब क्या करेंगे हम, एक मिनट के बाद हम इसको पलटी कर लेंगे। वाव, अब इधर से भी हम एक मिनट अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर रोटी मेरी तैयार हो गई है सर, मैंने सारी रोटी बना ली हूँ, मेरी सारी रोटी बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मेरी चटनी रोटी रेडी, ठीक है। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना बाजरे की रोटी और ये चटनी कौन सी, बोम मिल की चटनी और सीमेंट की रोटी, अंबुजा सीमेंट 100 साल की गारंटी। देखो पुराने बुढ़े, लेकिन सच्ची बोलता हूँ, ये ना रोटी इतनी अम्मी ने सॉफ्ट बना ली, ये देखो। नहीं तो ना, मैं जो रोटी की बात कर रहा था ना, वो थोड़ी कड़क कड़क रहती थी, जो ना ऐसा तोड़ना पड़ता था, लेकिन देखो यार मस्त बनी रही है। तोड़ के बता, देखो इतना ऐसा करेगा ना कोई तो रोटी अपने आप टूट जाएगी, इतनी कड़क रहती है। तोड़ के बता, लेकिन देखो अम्मी की रोटी अभी भी एकदम नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट, बाजरे की आ आ आ वो वाला बाजरा, समझ गए, कबूतर को खिला देना। नहीं समझाना भी बनता है, नहीं तो लोग बोलेंगे अभी बाजरा क्या है। नहीं बाजरा बहुत जगह मालूम है, और बड़े बुड्ढों को तो बहुत मालूम है, काफी हेल्दी रहते हैं देखो बुड्ढे लोग, क्योंकि उन लोग ये खाते हैं बाजरे की रोटी, पहले के लोग जो बोलते ना। अरे यार, और ये सुकट हो रहा क्या, बोमबिल, अब ये किस किस को नहीं पता है, सूखी बोमबिल, सूखी चटनी। अपने अपने मुंबई में तो ये हर किसी को पता होगा, देखो एक तो मड और एक वर्सवा, यानी कि जो भी बीचेस रहते ना उसके किनारे पे ना ये ऐसा रस्सी डाल के, बम्बू डाल के रोडों पे ऐसा सुखाया जाता है इसको, और लोग टेस्ट ले लेके इसको खाते हैं। देखो भाई खाने वाले खाते हैं, और जो कुछ फूडी होता है जिसको टेस्ट पसंद है उसको आप कहीं से भी निकाल के तो वो खाएगा। नहीं, ये विलेजेस में गांव में सबको बहुत बहुत पसंद है बोमिल की चटनी। और ये वैसे मुझे पता क्या लगा था, हमें कौन सी चटनी बनाएगी, जो टमाटे की चटनी आती ना बोमबिल डाल के, वो भी हमें बहुत मस्त बनाती है, तो मुझे लगा था वो आज बनाने वाले, लेकिन अम्मी ने एकदम ही गरीब बना। नहीं नहीं, ये गरीब का नहीं तो बोलने का मतलब मेरा ये और ही लेके जाता है, ये मैं सूखी चटनी वैसा बनाई हूँ, ये अपने लिए बनाया है, ये कि महीना भर बैठ के खाऊंगी मैं ना। सही बोला, लेकिन जैसा देखो पहले टाइम नहीं हुआ करता था, किलो क्या? नहीं थोड़ा टाइम नहीं हुआ करता था, खेतों में काम करने जाना पड़ता था औरतों को, बहुत सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता था, बेचारे क्या करते थे अपनी बाजरी की रोटी बना लेते थे, हाँ। प्याज हरी मिर्ची ले लेते थे, जवारी की रोटी ये भी चटनी हाँ। बना के आप डब्बे में रखो तो ये बांध के अपना खेतों में लेके जा सकते थे। हाँ बिंदास बिस्मिल्ला। तो चले इसमें थोड़ा है, थोड़ा तीखा चटपटापन आएगा, हमारी मामी तो उतना मिर्ची थी ना, काली मिर्ची को तेल में फ्राई करके उसको ऐसा बारीक करते थे, और ये जवारी की रोटी डुबा के खाते थे, बाप रे बाप। इसमें बोमिल का भी फ्लेवर आ रहा है, तीखी है, पहला पानी माशाल्लाह तीखी है, और सिंघाना आप अपने हिसाब से डालना जितना आप डाल सकते, नहीं तो इसमें आमचूर की मात्रा आप बढ़ा सकते है ना। बनी एक नंबर है, इसको आप 15-20 दिन स्टोर करके रख सकते, आराम से सफर में गए अपना ये बना लिए, 3-4 दिन का सफर रहता है ना, बहुत से लोगों के गांव दूर रहते जाते हैं, ये रोटी बना के और ये ले जा सकते खराब। देखो बाजरे की रोटी ना आपको ज्यादातर बेसन के साथ मस्त लगेगी खाने में। हाँ मैं खिलाती हूँ ना, इसलिए आप लोगों को बता रहा है, जवारी की रोटी सबसे ज्यादा अच्छी उसी के साथ लगेगी। मेरे घर में ना बनता है जवारी बाजरी की रोटी के साथ बेसन, इसके लिए बच्चे लोग वही बोलते बार बार, क्योंकि जवारी की रोटी शौक से खा लेगा, लेकिन बाजरी की रोटी ज्यादा नहीं खाता ये। वो कहना मेंटेलिटी बन गई थी कि कड़क कड़क रहती है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन हमने बहुत सॉफ्ट बनाया, बहुत सॉफ्ट। नहीं पहले के लोग भी ऐसी कड़क कड़क है, तू बोल रहा ना रोटी कड़क कड़क, उन लोग भी यही खाते थे, उनके दांत पता नहीं अभी तक कड़क है क्या, नहीं या है भी नहीं। अभी देखो ये रोटी पे आप गरम गरम उतारेंगे ना स्टोव पे से या गैस पे से, फटाफट इस पे घी मस्का लगा के खा ले, वो भी बहुत मजा आती है। लेकिन अभी हमको रख के खाना है तो मतलब नहीं आ रहा। लेकिन मैं एक बात तो बोलूंगा, जवारी की रोटी बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ, लेकिन ये चटनी जरूर बनाना, क्योंकि ये चटनी दाल चावल हो गया, दाल चावल भाजी या फिर रोटी भाजी या फिर खिचड़ी के साथ खाने भी बहुत मजा आएगा। और जिसको ऐसा खाना है वो ऐसा खा सकते हैं, जिसको इसमें एक कटोरी में थोड़ा निकाल लिया चटनी, रिफाइंड ऑयल अपना जो रहता है ना फॉर्चूनर से, वो तेल आप मिला के मस्त गीली चटनी बना के भी खा सकते हैं। और ये चटनी तो आपकी आराम से चलेगी जब तक खत्म ना हो, है ना, बहुत लंबा चलेगा, में नहीं जाएगी यानी, हां खराब नहीं हुई, बोलने का ये मतलब है खराब नहीं हुई। तो भाई वीडियो कैसा लगा, और ये अपनी कौन सी बाजरी
बाजरे की रोटी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अम्मी ने चार रोटी बनाई और चारों एकदम परफेक्ट मस्त गोल और भी मस्त। तो भाई हमें कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को पहले तो लाइक कर दो। जब से हम लोग बड़बड़ करते भाई लाइक कर देने, अभी बोलना पड़ेगा क्या लाइक कर दो। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो भाई कब अब कर देगा, कब सब्सक्राइब करेगा, कर दो फटाफट सब्सक्राइब यार। और कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा कि आपको किस चीज की वीडियो देखना है, किस रेसिपी की वीडियो देखना है, तो हम जरूर बनाएंगे। जैसे कि मैंने ये बाजरे की रोटी कमेंट में देखे, मुझे कमेंट आया, कमेंट देख के ही बनाइए बाजरे की रोटी और ये बोमिल की चटनी। और मुझे जाने से पहले इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके जाना, मेरा पिन कोड मतलब मैंने कमेंट में ना पिन कर दिया है मेरा इंस्टाग्राम की आईडी, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो, ठीक है। चलो चलते हैं। और ये बोमिल की चटनी दूसरे तरीके से भी बनाई जा सकती है, हाँ टमाटर डाल के। तो यार वैसा अगर आपको रेसिपी देखना है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना, तो हम उस तरीके से भी बनाएंगे। और तो चलो अल्लाह चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय, याद रखना।